हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर। सो HURL हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से ये न्यू वैकेंसी आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। सो इसके लिए फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, तो मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बेसिक डिटेल्स है। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। सो सबसे पहले हम फ्रेशर्स की बात करेंगे, तो इसके लिए अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज दी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है किसी भी डिसिप्लिन से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आप एलिजिबल होते हैं। तो डिप्लोमा अगर आपने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, यहाँ पे बहुत सारे आपको डिसिप्लिन मिल जाएंगे। तो अगर इन डिसिप्लिन में डिप्लोमा आपने किया है और कम से कम 50% है, देन आप एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं पोस्ट वाइज। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 5 या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, देन आप एलिजिबल होते हैं एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए जो अपर एज लिमिट रहेगी वो 30 ईयर्स रहेगी और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 35 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट रहेगी। सो यहाँ पे अमोनिया, यूरिया, ऑफसाइट एंड यूटिलिटीज डिसिप्लिन में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है विद मिनिमम 50%, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट एंड इंजीनियर असिस्टेंट पोस्ट है। तो इसके लिए भी यहाँ पे आप वैकेंसीज देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी है जिसके लिए आपने अगर बीए, बीकॉम, बीएससी किया है जनरल डिग्री रेगुलर मोड से विद मिनिमम 50%, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, बट आपकी सैलरी पैकेज आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वैरी करेगी। ठीक है, सो डेट की हम बात करें तो आपका जो कट ऑफ डेट रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो 31 मार्च 2021 रहेगा और एज लिमिट भी आप इसी डेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने जो डिप्लोमा डिग्री कोर्स किया है वो रेगुलर मोड से ही होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। अगर आपने पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस से किया है, देन आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड अगर आपके डिप्लोमा या डिग्री में CGPA, OGPA, DGPA है, देन उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उसका एक पर्टिकुलर नॉर्म्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना होगा। तो 50% के इक्विवेलेंट ही आपका CGPA होना चाहिए। अगर आपने BTEC भी किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ही किया हो या फिर BA, BSc, BCom ही किया है तो ही आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा में लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू एडमिशन लिया है तो भी आप एलिजिबल है। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें ट्रेनिंग, टीचिंग, लेक्चरशिप, पार्ट टाइम जॉब्स, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, इन सभी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपका प्रॉपर जॉब होना चाहिए तभी उसे वर्क एक्सपीरियंस में कैलकुलेट किया जाएगा। सो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड पे करना है। मोर देन वन फॉर्म आप फिल मत कीजिएगा, क्योंकि पहली बार जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसे ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम फिल करते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए सैलरी की बात करते हैं। तो फ्रेशर्स की सैलरी रहेगी 3 लाख पर एनम, मतलब 25,000 पर मंथ। एंड मिनिमम 5 ईयर्स रिक्वायर्ड है वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके लिए 4.1 लाख आपकी पर एनम सैलरी रहेगी। 10 ईयर्स के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो 4.9 लाख एंड 15 ईयर्स के लिए 5.8 लाख पर एनम। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और एग्जामिनेशन डेट, टाइम और वेन्यू जो है वो सब कुछ आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किया जाएगा। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहले ही आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। सो आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए अपियर होना होता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होता है। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको सेल्फ अटेस्ट करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ले जाना होता है। सो टेस्ट के जो सेंटर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन। और इसके लिए आपको 3 प्रेफरेंस देने होते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है,
तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें एमसीक्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 और इस टेस्ट को हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, ये बायलिंगुअल है। तो क्वेश्चन जो है वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखने हैं ताकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो या ज्वाइनिंग हो तो उस वक्त आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ी में आपका 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, जिसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और कोई अदर पेमेंट मेथड नहीं है। एंड यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस नोटिफिकेशन का, तो इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर सकते हैं। अगर हम डेट की बात करें तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 16 अगस्त 2021 और जो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी वो 31 मार्च 2021 है, यानी कि यही एक डेट है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना एज लिमिट चेक कर सकते हैं एंड आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी आपकी ये कट ऑफ डेट रहेगी। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट जिन्होंने भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स किया है, ITI किया है या BA BSc BCom किया है वो भी अप्लाई कर पाए। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।